हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, इसको देख करके तो याद आ गया होगा, ये आईआईटी जेई के लिए 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। और बच्चों का ये कहना होता है अक्सर, और इसीलिए हमने इसको चुना भी है बताने के लिए, बच्चों का ये कहना होता है कि सर मान के चलिए कि ये लेंस है, बीच में कुछ लिक्विड अगर आ जाएगा तो एक फिर से दूसरे लेंस की तरह बिहेव करेगा, फिर से ये मिरर है, तो ऐसे न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे बनाएंगे? या बनाते हैं तो बनता नहीं, कोई फॉर्मूला इसके लिए नहीं है कि कैसे आप उसको डायरेक्टली बनाएंगे, ठीक है। तो खैर, इस एक बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमारी उन बच्चों से अपील है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एंड तक देखें, साइन कन्वेंशन कैसे यूज़ करते हैं, रे डायग्राम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उन सारी बातों पर ध्यान देना है, ठीक है। और उन चीज़ों को ढूंढना है जिस वजह से आप गलती कर जाते हैं, उन चीज़ों को एलिमिनेट करना है और सही चीज़ों पर ध्यान रखना है, राइट। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए हम लोग उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ थिन बाई कॉन्वेक्स, लिखा हुआ बाई कॉन्वेक्स मतलब दोनों साइड, ठीक, ये भी कॉन्वेक्स और ये भी कॉन्वेक्स, इंडेक्स 3/2, तो यहाँ देख लिया जाए पहले, ये यहीं से आंसर किया जाए, तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास म्यू ग्लास विल बी इक्वल टू 3/2, कोई दिक्कत? अच्छा, इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है, कहने का मतलब रेडियस ऑफ मिरर इक्वल टू इनफाइनाइट, तो रेडियस ऑफ मिरर विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड मिरर इज फिल्ड विथ वाटर ऑफ इंडेक्स 4/3, ये देखिए पहला केस, यहाँ और यहाँ, ये देखिए ये जो सेक्शन है, ये वाला पूरा सेक्शन, ये और ये, क्वेश्चन ने कहा कि इसके बीच लिक्विड को इंसर्ट करा दिया गया और ये वाटर था, तो म्यू ग्लास भी अवेलेबल है, वो कितना है 4/3, यहाँ तक ठीक है, तो म्यू ग्लास विल बी इक्वल टू 4/3, ओके। आगे, इट इज फाउंड दैट व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अबव द लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस द ऑब्जेक्ट कंसाइड्स विद इट्स ओन इमेज, क्वेश्चन ने कहा कि अगर इससे 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, देखिए ऐसे अगर यहाँ से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उसका इमेज वहीं पे बन जाता है, राइट। तो अगर वाटर है, मिरर है, लेंस है, तो 15 सेंटीमीटर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वही इमेज डिस्टेंस भी है। आगे क्वेश्चन ने अपने आप को चेंज किया, देखिए वो क्या है, क्वेश्चन ने कहा कि अगर कोई लिक्विड को वहाँ पर पुट कर दें वाटर को हटा करके, तो अगर यहाँ से वाटर को हटा करके लिक्विड डाल दिया जाए, तो लिक्विड जब डाल दिया जाए तो अब ये पाया गया कि 25 cm, ये बढ़ करके कितना हो गया 25, तो 25 cm पे अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए तो अब उसका इमेज 25 cm पर ही बन जाता है। कहने का सेंस क्या था, जब वाटर था तो 15 cm पर ऑब्जेक्ट, 15 cm पर इमेज, और वाटर को हटा करके लेंस रखा गया, सॉरी वो लिक्विड रखा गया, तो लिक्विड जब रखा गया तो एक वैसा लिक्विड था जिसकी वजह से उसका इंडेक्स 40 पर जो भी रहा हो, 25 cm पे सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा गया और वहीं पे इमेज बन गया, राइट। तो क्वेश्चन ने कहा कि जो वाटर को हटाने के बाद जो लिक्विड भरा जाएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, यहाँ तक बात सही है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग इसको, सबसे बड़ी बात है ना कि ऐसे प्रॉब्लम को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले रेडियस निकालना बहुत ज़रूरी समझेंगे, ठीक है। तो रेडियस काम आता है, तो हम लोग सबसे पहले वो काम करें, या फिर देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं आगे, आइए देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ना सबसे पहले आप ऐसे समझें इस तरह से, ताकि डायग्राम ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये ऐसे, ये दूसरा लेंस हो गया, और तीसरा ये प्लेन मिरर, ठीक है, ये इस तरह से, ये हो गया म्यू वाटर, ये हो गया म्यू ग्लास, राइट। तो ऐसे सिस्टम है ना, सबसे पहले आप ये देखें कि इस पूरे सिस्टम का फोकल लेंथ कैसे निकाला जाएगा, राइट। तो सबसे पहले फोकल लेंथ निकालने की कोशिश कीजिए, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ऐसे प्रॉब्लम बनाने के सबसे पहले हम लोग ये बोलते हैं पावर ऑफ सिस्टम, ठीक है, इक्वल टू एक लेंस दूसरा वाटर वाला लेंस, तो PL1 प्लस PL2 प्लस कितना PM, ठीक है। तो लाइट बीम जब जाएगा आगे और आगे तो दो बार होगा रिफ्रैक्शन, ठीक है, जाते टाइम पे अदर टाइम, तो ये हो जाएगा 2PL और ये हो जाएगा 2PL, मिरर एक ही बार रिफ्लेक्ट कर पाएगा लाइट को, तो सिंपल रह गया ऐसे PM, राइट, यहाँ तक बात सही है।
तो पावर ऑफ लेंस, हम लोग पहले सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए PL1, और उसने कह दिया है पहले केस में कि इंडेक्स 3/2 पे था और ऑब्जेक्ट 15 cm पे, तो 15 cm पे रह गया। तो हम लोग उसको ऐसे बनाइए, देखिए पहला केस PL1, तो PL1 विल बी इक्वल टू 1 by FL1 विल बी इक्वल टू म्यू ग्लास माइनस 1 इंटू 1 by R1 माइनस 1 by R2। तो ये हो गया 1 by R, ये वाला R इस साइड, प्लस माइनस 1 by -R, ठीक है। क्वेश्चन ने ये नहीं कहा कि रेडियस दोनों डिफरेंट है, ऐसा कुछ लिखा नहीं, लेकिन ये भी बाई कॉन्वेक्स वर्ड उसने इशारा के तौर पे रख दिया है। तो यहाँ से ये बात ऐसे बन गई, म्यू ग्लास अवेलेबल है 3/2, तो ये हो गया 3/2, ठीक है, 3/2, तो ये हो गया 3/2 माइनस 1, तो इसको ऐसे रहने देते हैं, और ये बन जाएगा 2/R, ये बन गया 2/R, और ये हो गया से PL1 एंड इट विल बी इक्वल टू FL1। यहाँ तक सही है। अब सोचिए ऐसे हालात में, ऐसे सिचुएशन में, ये तो 1, ये PL हम लोग को पता हो गया 2/R। अब उसके बाद आगे देखिए PL2 ऐसे सोचिएगा, तो 1/FL2 विल बी इक्वल टू म्यू वाटर माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। तो इसका R इस साइड, तो 1/-R - 1/∞, बिकॉज ये तो प्लेन सरफेस है, टर्म कितना हो गया इन्फाइनाइट, तो म्यू वाटर विल बी इक्वल टू 4/3 - 1, ठीक है, एंड दिस इज -1/R, और ये हो गया PL2, तो ये हो गया 1/FL2, 1/FL2 विल बी इक्वल टू PL2। हम लोगों ने भी डिस्कस कर लिया, लगे हाथ PM भी कर रहे डिस्कस, PM विल बी इक्वल टू 1/FM, तो PM विल बी इक्वल टू 1/FM, ठीक है। तो फोकल लेंथ इक्वल टू R/2, R इनफाइनाइट, एनीथिंग बाय इनफाइनाइट विल बी इक्वल टू 0। यहाँ तक बात है समझ में। तो ये हम लोगों ने इतना डिस्कस किया, तो सबसे पहले हम लोग वो बना लें कि पावर ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू 2 PL1। तो हम लोगों ने PL1 विल बी इक्वल टू यहाँ बनाया 1/2, यहाँ देखिएगा, और 1/2, ये 1/2 इंटू 2/R इंटू 2/R, ओके यहाँ तक। उसके बाद देखिएगा PL2, ये हो गया 1/3 इंटू -1/R, तो देखिए 2 times 1/3 इंटू -1/R, तो ये -1/R, 1/3 इंटू 1/R, ठीक। उसके बाद ये PM, तो वो टर्म तो खुद जीरो हो गया, वो टर्म खुद जीरो हो गया, इसको ऐसे कर लीजिए, तो पावर ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू, बताना भाई, ये 2/R और ये माइनस, ये टर्म कितना आ गया -2/3R, एनी ट्रबल। अभी R ऐसे है तो 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 3 = 6, -2 = 4, 4/3R, ये ऐसे आ गया 4/3R। अब सिस्टम बनेगा क्या, ये पूरा सिस्टम लाइट तो इस पार बिल्कुल भी नहीं जाएगा, तो मिरर ही बनेगा। तो पावर ऑफ इक्विवेलेंट मिरर, तो पावर ऑफ इक्विवेलेंट मिरर हमें कहना चाहिए, ठीक है, विल बी इक्वल टू -1/ फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे -1/ फोकल लेंथ ऑफ दैट मिरर विल बी इक्वल टू 4/3R, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये पूरा सिस्टम एक मिरर की तरह बिहेव किया, यहाँ तक बात सही है, और ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है वहीं पर इमेज डिस्टेंस भी है। तो हम लोग इसके आगे सोचेंगे 1/V मिरर फॉर्मूला, तो 1/V प्लस 1/U विल बी इक्वल टू 1/FM, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये माइनस यहाँ से हटेगा तो ये -4/3R आ जाएगा। तो चलिए भी वहीं पर है जहाँ पर माइनस यू है, ठीक है, ये तो खैर माइनस यू है ही, और 1/FM कितना हो गया 4/3R, ठीक। माइनस कॉमन लेंगे तो 2/U विल बी इक्वल टू 4/3R। आपको पता है कि पहले वाले केस में कितनी वैल्यू थी, वो वैल्यू थी से यहाँ देखिए 15 cm, ओके, तो 2/15, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, ये ऐसे,
तो 1/15 विल बी इक्वल टू 2/3 r, 3 5 टाइम्स, ठीक है, एंड r विल बी इक्वल टू 10 cm, r विल बी इक्वल टू 10 cm, ऐसी बात है। तो देखिए इतनी बातों को तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया, इससे बेनिफिट मिला कि पहले स्टेप से r मालूम हो गया, ठीक, जो इस स्टेप को अब आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो अब यही काम रिपीट कर लें, इस केस में तो हमें म्यू वाटर मालूम था, अगले केस में म्यू वाटर नहीं है, अगले केस में म्यू लिक्विड है, तो वो काम करेंगे। तो अब बात यह है कि इसको आगे बढ़ाने के पहले अब बता दें कि जैसे बच्चे पूछते हैं कि सर आपके मन में किस तरह की बात आई होगी जब इसको बनाना आपने शुरू किया होगा, तो हमारा कहना है कि देखिए दो केस में क्वेश्चन बना हुआ है, तो जब भी दो केस में क्वेश्चन बना रहे ना, एक केस में वाटर भरा हुआ था, दूसरे केस में लिक्विड भरा हुआ था, तो जब भी दो केसेस को कंबाइंड करके क्वेश्चन बनाया जाता है, और IIT इन सब चीज़ों में बिल्कुल वो माहिर है, वो उलझा करके बच्चों का दिमाग ख़राब करवा करके वो चाहता है कि बच्चों को बिल्कुल व्यस्त रखा जाए, वो क्रिटिकली थिंकिंग नहीं कर पाए। तो मेरा कहना ये है कि आप सोचिएगा इस तरह से कि पहले केस में से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलेगा, और वो निकला, हमने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन था हमने उसी को प्लेन वे में आगे बढ़ाया, तो हमने आगे बढ़ाया तो रेडियस निकल आया। तो इस केस में म्यू वाटर अवेलेबल था 4/3, अगले केस में आर अवेलेबल होगा, चूँकि रेडियस तो क्यों बदलेगा, तो शीशे का बना हुआ होता है सिस्टम, लेंस स्पेशली, तो अगले केस में म्यू बदला हुआ है, तो जो म्यू बदला हुआ है आर अब नोन हो गया, अब म्यू निकालना है। हम लोग बातों को आगे बढ़ाएं, हम लोग को मालूम हो गया कि आर की वैल्यू कितनी है 10 cm, ओके, तो जल्दी से उन बातों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम लोग इसको अब आगे बढ़ाते हैं, रेडियस मालूम हो चुका था, रेडियस की वैल्यू कितनी है 10 cm, ये वाटर अब रहा नहीं, वो लेंस में कन्वर्ट, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस केस में जो सिस्टम बनेगा, उस केस में जो पावर ऑफ सिस्टम होता है वो निकालना है, क्यों, क्योंकि इस केस में भी ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा हुआ है इमेज वहीं पे बिल्कुल बन रहा है, राइट। तो आइए पावर ऑफ सिस्टम फिर से, तो क्या कहेंगे, 2 पावर, पहले केस में 2PL1 प्लस 2PL2 प्लस PM। अब इसको एक्सप्लेन करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, इस लेंस से होकर लाइट गया भी आया भी 2 times रिफ्रैक्शन, इस लेंस से होकर के लाइट गया भी आया भी 2 बार, ठीक है, मिरर तो सिंपली 1 बार कर पाया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ तक बात सही है। तो चलिए पावर ऑफ सिस्टम, तो पहले PL1 शुरू करते हैं, तो PL1 विल बी इक्वल टू, हालांकि आप बच्चे चाहें तो अपनी कॉपी में अगर देखिएगा कि PL1 तो हमने बनाया हुआ है, राइट, लेकिन हमारे पास तो वो चीज़ें मिट गई हैं, इसलिए वो बात फिर से एग्जामिनेशन में आप समय को बचा सकते हैं इस जगह पे। तो PL1 पावर क्यों बदलेगा, मेरा कहने का सेंस बस वही इतना था, पावर क्यों बदलेगा, तो इस लेंस का, तो देखिए 1/FL1 विल बी इक्वल टू म्यू ग्लास माइनस 1, तो 3/2 - 1 इंटू 1/R1 - 1/R2, तो 1/R1 इस तरफ वाला पॉजिटिव, -1/R2 इस तरफ वाला, देखा आपने, इसको हम लोग सोल्व भी कर लेते हैं, ये कितना होगा 1/2, ये वाला कितना हो जाएगा 2/R, ठीक है, ये कैंसिल हो गया और ये मिला 1/R, दैट इज 1/10, ठीक है। तो R की तो वैल्यू मालूम थी और यहाँ पे साइन तो हमने यूज़ कर ही लिया है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही लिखा जाना है, ये पूरा हुआ, तो ये हमने बना लिया PL1, ओके। चलिए PL2 बनाते हैं, कितना म्यू लिक्विड, ध्यान देना म्यू लिक्विड माइनस 1, म्यू लिक्विड माइनस 1 विल बी इक्वल टू 1/R1 - 1/R2, तो इसका आर इस साइड, 1/-R - 1/∞, राइट। म्यू लिक्विड हमें नहीं पता, तो हम लोग ऐसे म्यू लिख करके ऐसे माइनस 1 कर देते हैं, ठीक है, और ये टर्म तो 0, तो ये हो गया -1/R, R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है 10, तो ये तो हो गया माइनस, तो हमने यूज कर ही लिया, तो ये हो गया 10, ध्यान देना माइनस R तो हमने यूज कर ही लिया, तो मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे ना, तो ये हो गया माइनस ऐसे, और ये टर्म कितना 0, ठीक है, तो ये हो गया PL2, कोई दिक्कत, पावर ऑफ मिरर हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया, दिस विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज 1/FM, और फोकल लेंथ ऑफ मिरर ये तो रेडियस इन्फाइनाइट है इसका, तो फोकल लेंथ तो
देख ही रहे हैं। तो पी एम विल बी इक्वल टू जीरो। अब देखिए पावर ऑफ इक्विवेलेंट मिरर, पावर ऑफ इक्विवेलेंट मिरर विल बी इक्वल टू माइनस वन बाई फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट मिरर। सही है यहाँ तक? ठीक है, तो पावर ऑफ इक्विवेलेंट मिरर हम लोग को इसको यूज़ करना है, लेकिन पावर ऑफ सिस्टम ये किसके बराबर है? पावर ऑफ सिस्टम के बराबर। तो पहले ये हम लोग सीख लें कि पावर ऑफ सिस्टम कितना हुआ। तो पावर ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू, बोलिए, 2PL1, तो 2PL1 इंटू 1/10, ठीक है, प्लस 2PL2, तो PL2 कितना हुआ? तो ये हो गया, आप यहीं पे ऐसे कर लीजिए, माइनस, ये माइनस चला गया, म्यू माइनस 1/10, तो ये हो गया म्यू माइनस 1/10, आपने भी सीख लिया। और उसके आगे PM, तो टर्म कितना हो गया? जीरो। तो अब देखिए ऐसे, तो ये हो गया, आप 2/10 कॉमन ले लीजिए, 2/10 हमने कॉमन ले लिया, तो 2/10 कॉमन लिया, तो यहाँ बचा 1 और माइनस म्यू माइनस 1। देख लो भाई, 2/10 हमने कॉमन लिया, यहाँ 1 बचा और यहाँ बचा म्यू माइनस 1, तो ये हो गया 1/5 इंटू 1 माइनस म्यू और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो 1/5 इंटू 2 माइनस म्यू, तो ये हो गया पावर ऑफ सिस्टम, ये हो गया पावर ऑफ सिस्टम, और माइनस 1/ फोकल लेंथ ऑफ मिरर इक्विवेलेंट, तो कन्फ्यूजन में ना रहें, इक्विवेलेंट मिरर, ठीक है, विल बी इक्वल टू 1/5 इंटू 2 माइनस म्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग ये समझें कि इस केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा गया था? 25 cm पे, तो 25 cm पर इमेज बन रहा है, तो 1/v कितने पे? -25, -1/u तो ये भी कितना? -25, ठीक है, आप ऐसा सोचिएगा, 1/v तो भी इक्वल्स टू कितना? -u प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u, तो u भी कितना? -u, विल बी इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ ऑफ मिरर इक्विवेलेंट, ओके ना, तो -2/u विल बी इक्वल टू दिस -1/5 इंटू 2 माइनस म्यू। समझ में आया होगा, तो ये माइनस इसके साथ कैंसिल, और ये कितना है? 25, तो 2/25 विल बी इक्वल टू 1/5 इंटू 2 माइनस म्यू, तो ये 5 times, ठीक है, तो उसके आगे देखिए, तो ये ऐसा हो जाएगा, देखिए 2 विल बी इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस म्यू, यहाँ तक बात सही है, तो 2/5 विल बी इक्वल टू 2 माइनस म्यू, तो म्यू विल बी इक्वल टू 2 माइनस 2/5, 10 माइनस 2, तो 10 माइनस 2 8/5, ठीक है, तो ये म्यू ऑफ दैट लिक्विड विल बी इक्वल टू 8/5 कितना होगा? 1.6, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, म्यू लिक्विड विल बी इक्वल टू 1.6। इस तरह से हम लोग इन चीज़ों को बनाते हैं, ठीक है, तो हमारा कहना है ना कि सबसे पहले तो आप एक करेक्ट वे चुनिए कैसे बनाना है, और हमने कहा कि इस क्वेश्चन को आप चाहें तो विदिन 2 मिनट में बना सकते हैं, तो कहो कैसे कैसे, जो काम हमने ये किया वो काम तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, जो कि PL1 आपने बनाया हुआ है, ठीक है, हाँ इसमें कैलकुलेशन में समय लगेगा, इसमें और इसमें, लेकिन सबसे पहली बात क्या है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना अधिक प्रैक्टिस करिएगा, दिमागों को जितना आप चलाइएगा, ठीक है, ये नहीं कि फॉर्मूला इसका ये होगा, इसका ये होगा, उसका वो होगा, फॉर्मूला कुछ हद तक हेल्प करता है, लेकिन आपको बता दें जिन बच्चों को तैयारी करनी है IIT एडवांस की या ओलंपियाड की, या आप फिजिक्स में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको अच्छे कॉन्सेप्ट बिल्कुल रखने होंगे, आप उससे बच नहीं सकते, आपको रखने होंगे। तो जो हमने बताया कि 2 केसेस हैं, एक केस से हमने R निकाल लिया, दूसरे केस में उस R को हमने यूज़ करके म्यू लिक्विड निकाल लिया, तो इसी तरह से चीज़ों को बनाया जाता है, इसी तरह से चीज़ों को समझा जाता है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा, वीडियो को आपने अंत तक देखा, ढेर सारा धन्यवाद।